बैठी और आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। भारी बारिश के चलते नालंदा जिले में एक नवनिर्मित सड़क का एप्रचोक फंस गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन और निर्माण विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं। शिवाला प्रखंड के भुई रोड से गोलमा जाने वाली सड़क पर यह घटना हुई है, जहां बारिश के कारण मिट्टी धंसने से सड़क में दरार आ गई। जानकारी मिलने के बाद कार्यप्रणाली अभियंता मौके पर पहुंचे और पुलिस के पास अप्रचोक पथ के कटाव का जायजा लिए। कार्य विभाग के कार्य मंडल राजगीर के कार्यपाल अभियंता ब्रिजेश कुमार ने बताया कि पुल अभी बिल्कुल सही है और बरसात के कारण थोड़ा दब गया था और सड़क में दरार आ गई। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए लाल मिट्टी भरवा दी। उन्होंने आगे बताया कि बरसात के बाद इस हिस्से का कालीकरण किया जाएगा, साथ ही जहां पुल के पास बारिश के कारण कटाव हो रहा है वहां पर सेट बैक डाले जा रहे हैं। जहां पर कटाव हो रहा है वहां पर बोड़ा वगैरह डाल करके जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड बैग्स, टेम्प्रोरी रिस्टोरेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद बरसात के बाद हम लोग इसमें परमानेंट रिस्टोरेशन करेंगे। क्या चिन्हित किया गया सर ऐसे पुलों? नहीं, चिन्हित अभी तो ऐसे जो जो हम लोग को जानकारी मिल रही है, हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं रोड में जा रहे हैं, रोड में जा करके देख रहे हैं कि कहीं इस तरह का कोई पता चलता है किसी पुल पुलिया में इस तरह का कुछ कमी आ रहा है या गड़बड़ी हो रही है तो हम लोग ठीक कर रहे हैं। सर गोरमा में जब आप जांच करने पहुंचे तो क्या कमियां नजर आई, क्या कुछ है? इसमें बस वही है कि जिसमें काम हुआ था है ना, तो कंपैक्शन यहां पर पूरा नहीं था, इसके चलते ऐसा हुआ है। तो पुल सही है या फिर पुल बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी पुल में कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई दबा हुआ नहीं है, सिर्फ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं ना आपके सामने है स्लैब पर कुछ नहीं हुआ है और ये बिल्कुल पानी इसमें से निकल भी रहा है, इसलिए कोई इसमें किसी तरह का कोई हादसा या घटना दुर्घटना होने की कोई इस तरह की कोई बात तो हम लोग को नजर नहीं आ रही है। का जो अप्रोच था उसमें क्या दिक्कत हुआ? अप्रोच में वही हुआ है कि बारिश के चलते कुछ जो है सेटलमेंट हो गया है, सेटलमेंट होने के चलते ही वहाँ पर क्रैक्स आ गया, वो तो बाकी सब सही है। एक आध इंची का जो है वो वहाँ पर दबा था, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। जो क्षतिग्रस्त पार्ट था, बिटमिनस पार्ट को निकाल करके इसमें हम लोगों ने ग्रेड 3 डाला है। अब इसको कंपैक्शन करने के बाद इस पर हम लोग कारपेटिंग कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नए अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज यूएनआई। आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई।